नमस्कार। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो नए राज्यपाल, सात नए तो नहीं है, सात स्टेट में, प्रदेशों में राज्यपाल का वो हुआ है और कुछ नए राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं। तो उसमें जो सबसे प्रमुख जो नाम है और जिसपे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो सतपाल मलिक पे हो रही है। लेकिन उसको आगे बढ़ने से पहले राज्यपाल का थोड़ा समझ लें। एक तो ये बहुत अच्छी बात हुई है, सरकार ने पहली बार बहुत ही मतलब राज्यपालों को लेकर बहुत अच्छा काम किया है कि इसने पॉलिटिकल लोगों को राज्यपाल बनाया है। ये बड़ी बात है और ये बड़ा कदम है और इसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। ये चीज़ समझ लीजिए कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, संविधान बन रहा था, तो उस समय यह बात आई थी कि क्या गवर्नर को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसको सीधे उसका इलेक्शन करवाया जाए और उनमें से किसी वजह से स्पीकर चुना जाता है। लेकिन उस समय के जो संविधान निर्माता थे उनको लगा कि नहीं, गवर्नर को सेंटर से अपॉइंट करना चाहिए। उसके दो कारण थे, एक तो वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होकर काम करेगा, दूसरा अगर वो स्टेट में कहीं से इलेक्ट होता है तो वो एक कंस्टिट्यूएंसी विशेष में उसका ज़्यादा ध्यान होगा और वो थोड़ा दलगत राजनीति में भी उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए आज जो पहला स्टेटमेंट, एक अच्छा स्टेटमेंट लालजी टंडन ने दिया, उन्होंने कहा कि अब एक तरह से मेरी दलगत राजनीति अब समाप्त हो गई है, अब वो किसी भी पार्टी के नहीं है, क्योंकि गवर्नर किसी पार्टी का नहीं होता है, सब पार्टी का होता है। इसके साथ एक कड़ी और है कि जो यूपीए दो मतलब पुरानी यूपीए गवर्नमेंट के करीब करीब सारे गवर्नर बदल दिए गए हैं, केवल एक को छोड़ के। ESL नरसिम्हन जो यूपीए सरकार के समय गवर्नर बने थे और वो अभी भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ड्यूअल चार्ज उनके पास है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को उस जगह भी कोई पॉलिटिकल गवर्नर ड्यूअल चार्ज नहीं देना चाहिए था, एक गवर्नर को और बना दें, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। तो आइडियली एक आदमी को बनाना बहुत उचित नहीं है, उस आदमी के साथ न्याय करना। खैर, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर की। ये बहुत ऐतिहासिक बात है कि पहली बार एक राजनीतिक आदमी, एक पॉलिटिकल आदमी वहाँ का गवर्नर बना है, क्योंकि इसके पहले जो भी पॉलिटिकल आदमी गवर्नर जिसको पॉलिटिकल कहा जा सकता था वो कर्ण सिंह थे। लेकिन मूल रूप से कर्ण सिंह जब गवर्नर बने थे और 67 तक रहे तो वो पॉलिटिकल राजनीतिक से ज़्यादा वो प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे, वहाँ बैलेंस ऑफ पावर करना था, इसलिए बने थे। 67 के बाद जो भी गवर्नर बना है पिछले 51 साल में, वो या तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जनरल या मतलब इस तरह के लोग बने हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं बना है। तो पहली बार एक पॉलिटिकल आदमी को वहाँ मौका दिया गया है जो हार्डकोर पॉलिटिशियन है। इस विषय में सतपाल मलिक के बारे में एक चीज जरूर कहेंगे कि सन 74 में ये भारत मतलब चरण सिंह के साथ, उस समय भारतीय क्रांति दल था अगर मैं गलत नहीं हूं, या भारतीय लोक दल हो गया था, के साथ ही पॉलिटिक्स में आए। 74 का इलेक्शन ये जीते और 77 तक फिर इमरजेंसी लग गई, सब लोग जेल चले गए। 80 में ये लोक दल के टिकट पे राज्यसभा में गए और 86 में ये कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हुए। 89 अच्छा इस बीच 89 में इन्होंने अलीगढ़ से एमपी का इलेक्शन लड़ा, वीपी सिंह सरकार में मंत्री बने और 2004 आते आते इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। एक बात सतपाल मलिक के बारे में और समझ लीजिए कि ये चरण सिंह ने जब नई पार्टी बनाई थी तो उसके यूथ का फेस थे और उस समय ऐसा माना जा रहा था, बहुत मेहनती थे और ऐसा माना जा रहा था कि चरण सिंह के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन कहीं से भाई, जैसे हर एक पूरा देश, हर एक राजनीतिक पिता जो हैं वो पुत्र मोह में रहते हैं, वैसे चरण सिंह भी अपने अंतिम समय के में उनको कहीं से अजीत सिंह याद आ गए, अजीत सिंह विदेश से बुलाए गए और जो स्थान चरण सिंह के बाद सतपाल मलिक को मिलना चाहिए था वो कहीं से अजीत सिंह ने उस चरण सिंह की लीगेसी को अपने हाथ में ले लिया। मूल रूप से लोहिया के चेले सतपाल मलिक, फिर चरण सिंह के साथ और अब जम्मू कश्मीर के नए रोल में।
एक दो चीजें समझें, क्योंकि वोहरा जी का एक दिक्कत क्या थी कि वोहरा 2008 पिछले 11 साल से वो गवर्नर थे वहां पे, यूपीए ने भी उनको रखा था और इस सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको हटाया नहीं था। लेकिन इस जब ये जो सरकार अभी गिरी, जब बीजेपी ने विड्रॉ किया और वहां पीडीपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार गिरी, उसके बाद वोहरा जी की थोड़ी समस्याएं बीजेपी से शुरू हो गई थी। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जाता था कि बीजेपी पीडीपी को तोड़ के एक नई सरकार बनाने की चाहती थी, और जिसको, चूंकि वो गवर्नर वहां बैठा रहता है, ये गवर्नर की ही कॉल होती है, जिसको शायद वोहरा जी ने नहीं माना, मतलब वो इसके पक्ष में नहीं थे। दूसरा ये कहा जाता है कि आर्टिकल 35A जो आउटसाइडर के लैंड ओनरशिप की बात है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाह रही थी, उसका इन्होंने विरोध किया था। तो वो कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसमें गवर्नर सेंट्रल स्टेट के, मतलब गवर्नर और प्रेजेंट मोदी, मतलब बीजेपी सरकार के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन हुआ था। और एक हम ये कहेंगे रिस्पेक्टफुल उनको एग्जिट मिला, 25 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, ये एक्सटेंशन पे एक तरह से चल रहे थे, और उनको उनका कार्यकाल समाप्त कर देना ही ठीक था, क्योंकि हम सब लोग इसके हिमायती हैं कि कश्मीर की समस्या कोई पॉलिटिशियन ही हल कर सकता है, ये समस्या जो भी हो, ये किसी जनरल या किसी ब्यूरोक्रेट के चश्मे से नहीं हल होने वाली है। तो इस समय इमरान खान की नई सरकार उधर आई है, तो सतपाल मलिक के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, शायद मुझे लगता है उनके जीवन का सबसे बड़ा टास्क है, कि अगर वो इस रोल को जो करने जा रहे हैं, अगर वो इसमें सफल हो गए, तो शायद ये देश में वो, मतलब ये देश जब तक रहेगा तब तक सतपाल मलिक का नाम भी रहेगा। हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं कि सतपाल मलिक अपने नए रोल में ज़रूर कामयाब हों। अब बात थोड़ी देर एक लोकल अपने लालजी टंडन की। लालजी टंडन का जब नाम आता है तो वो अटल जी के सबसे, मतलब लखनऊ का चेहरा, अटल जी का लखनऊ फेस लालजी टंडन थे। लालजी टंडन को मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले बना दिया गया होता गवर्नर, क्योंकि इनसे बहुत जूनियर लोग, बहुत ऐसे लोगों को भी बनाया गया, वो जो भी सरकार, इस एनडीए गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी रही हो, क्योंकि अब तो सरकार एक साल की भी नहीं रह गई है, और 2019 में अगर एनडीए नहीं आती है तो ये गवर्नर रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो नई सरकार के प्रेरोगेटिव है, ये उसके इच्छा पे निर्भर करेगा। तो ये एक साल से कम समय देना लालजी टंडन के साथ थोड़ी नाइंसाफी थी, लेकिन शायद अटल जी की मृत्यु ने इन लोगों को याद दिलाया हो कि नहीं नहीं, एक आदमी कोई है जिसके साथ, जिसको कहीं जिसको बोलते हैं एडजस्ट करना है। ये लखनऊ के बहुत पुराने नेता हैं, दो बार विधान परिषद, 3 बार विधानसभा, और जब अटल जी ने और बेसिकली अटल जी की सीट को मैनेज यही करते थे, लखनऊ में जो उनकी समस्याएं होती थी, कंस्टिट्यूंसी में किसी की होती थी, तो वो अटल लालजी टंडन ही से जाके मिलता था। लालजी टंडन जब 2009 में अटल जी ने संन्यास ले लिया राजनीति से और ये हुआ, तो लालजी टंडन को ही उस समय यहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव उनके अगेंस्ट जो अब भाजपा में आ गए, रीटा बहुगुणा कांग्रेस की कैंडिडेट थी, अखिलेश दास बसपा के कैंडिडेट थे, चुनाव बहुत कंफर्टेबल नहीं जीते थे, 40,000 की मार्जिन से जीते थे, लेकिन चुनाव जीत गए थे। क्योंकि उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि एक अंतरकलह था भाजपा का, जो अंडरकरंट था, उनको हराने के चक्कर में भी कुछ लोग थे। लालजी टंडन की 2-3 बहुत स्ट्रांग बातें हैं। एक स्ट्रांग बात यह है कि लालजी टंडन को जब वोट मिलता है, या तो उनको सब तबकों का, मतलब ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ के मुस्लिम भी उनको ठीक से वोट देते हैं, मतलब लखनऊ के बारे में मशहूर है कि लखनऊ के मुसलमान भी लालजी टंडन को ठीक से वोट देते हैं। एक और दो बातें उनके बहुत नितांत व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहूँगा। एक, उनके लड़के पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन उनके लड़के कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, विधानसभा का इलेक्शन लड़े हैं, जीत के आए हैं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने भाजपा और मतलब भाजपा में की पार्टी में काम किया, और अब मंत्री भी हैं, और ये सारे लोग ईमानदार सभ्य लोग हैं। इनके अगेंस्ट एक बात थोड़ी सी कभी कभी लोग कहते हैं
कि 2004 में अटल जी के इलेक्शन से पहले एक साड़ी बटी थी और उसमें भगदड़ में कुछ लोग मर गए थे, उसकी जिम्मेदारी अटल लालजी को, लालजी टंडन के ऊपर लोग थोपते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसा मानता हूं कि देखिए, नियत तो साड़ी बांटने की थी, नियत तो गरीब को साड़ी देने की थी, ये हम सब लोग जानते हैं। आप कभी चले जाइए हनुमान सेतु और कुछ बांटने की कोशिश करिए, अगर आपके हाथ से लोग छीनने ना लगें तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि एक ये गरीबी है, इस गरीबी का भी इंडिकेशन है। लेकिन एक ही चीज़ उनके अगेंस्ट जाती है, एक तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सुलभ है, कोई भी कभी भी जाके उनसे मिल सकता है। बहुत ही बिरले ऐसे नेताओं में जो अभी भी कॉफी हाउस में आके बैठ जाते हैं। एक और स्ट्रांग बात उनकी यह है कि वो भाजपा का के रिजीम में मंत्री रहे कई बार, और वो एलडी और ये सब जो आवास विकास इस तरह के विभाग के मंत्री रहे। लेकिन मेरी जानकारी में वो अभी भी अपने पुराने घर चौक में रहते हैं, उनके पास कोई गोमती नगर में, क्योंकि आप किसी भी आज की तारीख में नेता को ले लीजिए, जो भी नेता बना है वर्थ थोड़ा भी, उसका कुछ ना कुछ गोमती महल, गोमती नगर में राजमहल खड़ा हुआ है लखनऊ में। लेकिन मेरी जितनी जानकारी है उसके अनुसार अकेले नेता जिनका गोमती नगर में, उस विभाग के मंत्री कई दिन रहने के बाद भी, कई साल रहने के बाद भी उनकी कोई गोमती नगर में संपत्ति नहीं है। दूसरी स्ट्रांग बात यह है कि उनकी जो दुकान है जहां से वो चिकन का होता है, वो आज भी है चौक में, और उसको लोग आज भी चला रहे हैं, उनके घर ही के लोग बैठ के उसको चला रहे हैं। तो कोई मतलब बड़ा राजनेता हो जाने से उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, अब ये मेरे इस तरह का काम नहीं, अब मैं दुकान, वो दुकान चलती है वहाँ पे। इनकी और सतपाल मलिक की एक बहुत स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ शायद इन लोगों को कामयाब करती है, कि इनके सब पार्टी में हमदर्द हैं। दोस्त कहना तो गलत होगा, लोगों को लगेगा कि दोस्त, हमदर्द हैं, क्योंकि इन्होंने भी अटल जी की तरह कभी एक्सट्रीम पॉलिसी, मतलब कभी दुश्मनी वाली पॉलिटिक्स नहीं की है। तो ये स्ट्रेंथ सतपाल मलिक भी लेके जा रहे हैं गुडविल की, ये स्ट्रेंथ लालजी टंडन भी लेके जा रहे हैं। और अंत में एक और कारण से मेरे फेवरेट, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कि धोती वाला जो नेता है वो आम आदमी से ज्यादा जुड़ा रहता है, वो आम आदमी की ज्यादा समस्याएं समझता है, तो लालजी टंडन उस धोती वाली जनरेशन के शायद बहुत चंद जो नेता रह गए उसमें से एक है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये दोनों राज्यपाल सफल हों और हमारा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।